आज मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में। ये स्टैनफोर्ड में किया गया था 1972 में, और इसे कहते हैं स्टैनफोर्ड मार्शमेलो स्टडी। मार्शमेलो एक तरह की मिठाई होती है छोटी सी, और इसको यूज़ किया गया था एज ए रिवॉर्ड इस स्टडी में। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं प्री स्कूल के और प्ले ग्रुप के और LKG के, उनके साथ ये रिसर्च किया गया। रिसर्च में हुआ क्या कि जो रिसर्चर था, जो टीचर थी बच्चों की, उन्होंने बच्चों को एक क्लोज रूम में बैठाया और उनके सामने एक छोटी सी मार्शमेलो रखी और उनसे कहा कि अगर तुम इसे नहीं खाते हो 15 मिनट तक तो तुम्हें 2 मिलेंगी और मैं 15 मिनट बाद वापस आऊँगी और चेक करूँगी। अगर तुमने नहीं खाया हुआ है पहली वाली जो तुम्हारे पास रखी है तो तुम्हें बदले में 2 मिलेंगे, और अगर तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तुमने खा लिया है, तो फिर दूसरी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये पूरा रिसर्च था, लेकिन इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। और दूसरी बड़ी बात थी इस रिसर्च के बारे में कि इसे फॉलो किया गया करीब 30 से 40 सालों तक। तो इसमें जो फाइंडिंग्स पाई गई वो ये पाया गया कि बहुत सारे बच्चों ने कंट्रोल करने की कोशिश की 15 मिनट तक, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाए और आखिरकार उन्होंने वो फिर कैंडी खा ली, मार्शमेलो खा लिया, और उनको रिवॉर्ड नहीं मिला, दूसरी वाली जो गिफ्ट मिलना था वो नहीं मिला। कुछ बच्चों ने 15 मिनट तक अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल में रखा और फिर जब टीचर वापस आई तो उसने खुश होकर के 2 दिए। इन 2 बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और कहा गया कि ये ग्रुप जिन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था ये ग्रुप ए है, और ये ग्रुप जिन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था ये ग्रुप बी है, और अब हम इन्हें फॉलो करेंगे कि फ्यूचर में इनका परफॉर्मेंस, पढ़ाई में इनका परफॉर्मेंस, जॉब में इनका परफॉर्मेंस और लाइफ में बाकी के अचीवमेंट्स कैसे होते हैं। इन्हें कई पैरामीटर्स पे मेज़र किया जाएगा, कॉलेज में जो सेट स्कोर होता है उसके ऊपर, और BMI इंडेक्स जो बॉडी वेट इंडेक्स है कि कोई बहुत ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स, कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो वो भी कहा जाएगा कि क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं है इसलिए उसका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, कोई बहुत फिट है तो कहा जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस लाइफ में अच्छा है। तो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर मेज़र किया गया और पाया गया कि ग्रुप बी जिन बच्चों ने कंट्रोल किया था उनका लाइफ में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, वो अच्छे कॉलेज परफॉर्मेंस थे, उनके जॉब्स बहुत अच्छे थे, उनकी बॉडी फिटनेस ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी थी। तो रिज़ल्ट ये था कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आप जो भी अभी अपनी खुशी के लिए पाना चाहते हैं अगर आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, तो ये एक क्वालिटी है और इस क्वालिटी की वजह से लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं।